24 के पहले क्लियर टूना जी पांडे कर देंगे। हाँ जी, 24 में एमपी बनना है शिवान का। आपने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार से अगर कोई भी सदन में नहीं जाता है तब तक मैं ताउम्र चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ये सदन में तो कोई नहीं गया अभी। नहीं, ये भी बात सत्य है, चुनाव हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे शिवान से। अब मैंने नाम किसी का रहा बैलेट पेपर में, हमको चुनाव लड़ना है शिवान में एमपी का। अगर हिना मैडम प्रत्याशी हो तो टूना पांडे सपोर्ट करेंगे पूरा? भाई हम चुनाव लड़ेंगे, हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ चलेंगे। आप भूल क्यों नहीं रहे? ऐसा तो नहीं कि भाई साहब राजद के विधायक हैं तो राजद पे आंच आ जाएगी? जब हम बीजेपी में थे तब बीजेपी के विरोध में बोलने में हमको डर नहीं लगता था, तो फिर भाई तो भाई होता है। अब भाई आरजेडी में है, इसके लिए हमेशा थोड़ी हम नहीं बोल पाएंगे। रमेश में हमने कह दिया कि एमएलसी के चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2 साल पहले हमने एमएलसी का पद का त्याग दे दिया था, तो हमको तो चुनाव लड़ना ही है, इसमें क्या दिक्कत है? 2000 चुनाव लड़ना है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो वो मैंने कोई ना का कोई प्रश्न पैदा नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, मतलब खुल का खुल। नहीं, हमने हमने नहीं कहा सपोर्ट के लाइन पर आप खत्म कर दीजिए। हम चुनाव लड़ेंगे, जैसे बैलेट ईवीएम मशीन पर नाम किसी का रहे, चुनाव हम लड़ेंगे। हम ये बात सुन लीजिए ना, अगर शाहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग ही अगर चाहेंगे कि हम चुनाव लड़ें तो लड़ना है ना, हम स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब न्यूट्रल होने का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? पार्टी ज्वाइन कब कर रहे हैं? पार्टी ज्वाइन कब कर रहे हैं? देखिए पार्टी बहुत जल्दी, अब तो समय आने दीजिए ना। पार्टी तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है, कौन सा क्या करना है, समय आएगा तो आपको सब। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। बगल में देख सकते हैं सिवान के पूर्व एमएलसी, कहा जाए तो बेबाक नेता सिवान के, हर मुद्दे पे अपने बेबाकी से बात रखते हैं। लेकिन बातचीत की जाए तो जब से राजद की सरकार बनी है तब से देखा भी जाए तो कुछ ज़्यादा ही अपराध बढ़ गया है और सिवान में अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर टूना जी पांडे कुछ दिन से खामोश हैं। हालांकि पिछले दिनों की बात की जाएगी तो वो हर एक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो कि हर चैनल पर इनका खबर नहीं चलता होगा, लेकिन कुछ दिनों से कुछ आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। हालांकि आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है। प्रणाम प्रणाम। नहीं नहीं देखिए, ये तो पहले आप इस शब्द को ठीक कर लीजिए कि हम अपराध के लेकर के नहीं हम कुछ बोल रहे हैं। नहीं देखिए, अपराध तो बढ़ी है, पूरे बिहार में बढ़ी है, सिवान में भी बढ़ी है, इस बात को सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है और है, सही भी बात है सर। तो आप भूल क्यों नहीं रहे? ऐसा तो नहीं कि भाई साहब राजद के विधायक हैं तो राजद पे आंच आ जाएगी? जब हम बीजेपी में थे तब बीजेपी के विरोध में बोलने में हमको डर नहीं लगता था, तो फिर भाई तो भाई होता है। अब भाई आरजेडी में है, इसके लिए हमेशा थोड़ी हम नहीं बोल पाएंगे सर, हमेशा बोलते हैं। अभी भी थोड़ा जनता की सेवा में लगे थे और फिर जब मौका आता है तो बोलबे करते हैं कि अपराध बहुत चरम सीमा पर है, हमेशा बोलते रहते हैं। अब पिछले दिनों चौधरी साहब पे गोलियां चला दी गई, कई ऐसे लोग जो मनोज सिंह के साथ साथ कई ऐसे लोगों को उन्होंने नाम दिया है, तो क्या लग रहा है इस तरह से कब तक चलेगा सिवान में? नहीं देखिए, वो तो देखिए वो जो भी घटना हुआ, नेता हो या आम जनता हो, घटना तो घटना होती है, किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेता की जान की कीमत ज़्यादा है और आम आदमी की जान की कीमत कम है, आम आदमी की जान का भी कीमत उतना ही है जितना नेता की जान की कीमत है। वैसे गोली चलना ये शर्मनाक घटना है, दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों से राजनीति से आप दूर दिखाई दे रहे हैं, सिवान की जनता आने वाले दिनों में आपको किस रूप में देख सकती है? नहीं, राजनीति से दूर नहीं है, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। जैसे जल पाम मछली जो है वो बगैर जल के बाहर रह ही नहीं सकती है, वो जल के बाहर निकलेगी तो मर जाएगी, वही हाल हम लोगों का है। हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं, राजनीति में, तो राजनीति से बाहर हटने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है। राजनीति में पहले भी थे, अभी है। तो आने वाले दिनों में लोग किस रूप में आपको देख सकते हैं? नहीं नहीं, जनता जिस रूप में पसंद करेगी वो तो सिवान की जनता के ऊपर डिपेंड है ना। सिवान की जनता जैसे हमें पसंद करेगी हम उस रूप में सिवान की जनता की सेवा करते रहेंगे। एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि आप हर एक मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं, चाहे सामने के लिए सामने वाला लीडर कोई हो, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कुछ दिनों से कि किस पार्टी में हैं आप। देखिए यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है सर। देखिए पार्टी सब बहुत अच्छी है, हर पार्टी अच्छी होती है। जैसे मकान जो बनता है ना, सब सीमेंट बालू गिरवा सब एक ही जगह बनता है, उसमें रहने वाले व्यक्ति लोग गलत होते हैं या सही होते हैं। तो हम हमेशा व्यक्ति के विरोध में आवाज उठाए हैं, कभी भी हम किसी पार्टी के विरोध में आवाज नहीं उठाए हैं। आप कभी भी हमारा वीडियो देख लीजिए, हम किसी पार्टी का कभी बुराई नहीं किए हैं, हम व्यक्ति विशेष का हमेशा बुराई या शिकायत जिसमें जो देखते हैं सो हम बोलते हैं। तो पार्टी तो हमारे लिए सब बराबर है, सिवान की जनता जिस पार्टी में हमें स्वीकार करेगी हम उस पार्टी के लिए तैयार हैं। अच्छा, पार्टी स्वीकार करेगी कि नेता जी स्वीकार करें, कौन उनके लिए सही? नहीं, सिवान की जनता हमें स्वीकार करेगी, पार्टी की क्या हैसियत है स्वीकार करने का? सिवान की जनता सर्वोपरि है,
पार्टी कौन होता है? दिखाई देते हैं टूना पांडे बढ़िया से लपता है, लुप्त हैं। वजह चुनाव में तो बहुत कंपनी किए थे आप, अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं, बीच में थोड़ा स्वास्थ्य भी हमारा ठीक नहीं चल रहा था, और ऐसी बात नहीं है, हम पूरे जिला में घूमते रहते हैं, बड़हरिया में भी जाते हैं, लेकिन हो सकता है ना कहीं जो लोग कह रहे हैं वो हो सकता है उनसे मुलाकात हमारी ना हुई हो, लेकिन हम ऐसी बात नहीं है, पूरे बिहार कह रहे हैं, पूरे सिवान जिला में हम हर प्रखंड में जाते हैं। अभी आप जोड़िए कि वो तो क्या कहते हैं गुड़िया कोठी महाराजगंज उधर भी जाते रहते हैं, नबीगंज जाते रहते हैं, पूरा जिला में। अब पूरा जिला हमें स्वागत, पूरा जिला हमारा है, पूरा जिला के हम हैं, पूरा जिला के जनता ने हमको दो दो बार MLC बनाया, तो हम तो जनता का शुक्रगुजार है ना, पूरी जनता को सुख दुख हम बांटने की कोशिश करते हैं। नहीं, MLC तो जनप्रतिनिधियों ने बनाया था, लेकिन अब जनता की जो फैसला होगी सिवान की जो आने वाली आगामी चुनाव है 24 में, तो क्या लगता है जनता एक मरतबा सुनना चाहेगी आपकी जुबानी? मैंने क्या बताइए, तुमने क्या सुनना चाहेगी बताइए? बहुत दिनों सुनने में आ रहे कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे टूना पांडे, कहाँ तक इस बात में सत्य है? बिल्कुल लड़ाई है, इसमें क्या होता, हम पहले इसीलिए विधान MLC के चुनाव मना कर दिए थे 2 साल पहले, 2019 में हमने कह दिया कि MLC के चुनाव नहीं लड़ेंगे, 2 साल पहले हमने MLC का पद का त्याग दे दिया था, तो हमको तो चुनाव लड़ना ही है, इसमें क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, इसमें तो वो मैंने कोई ना का कोई प्रश्न पैदा नहीं है। तो आपने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार से अगर कोई भी सदन में नहीं जाता है तब तक मैं ताउम्र चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो सदन में तो कोई नहीं गया अभी। नहीं नहीं, ये भी बात सत्य है, अभी समय है, आने दीजिए ना, अगर शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग ही अगर चाहेंगे कि हम चुनाव लड़े तो लड़ना है ना, या शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे तभी भी हम लड़ रहे हैं ना, मैंने हमें लड़ना है, नाम किसी का हो, अगर शहाबुद्दीन साहब का परिवार अगर आपको चुनाव लड़ा देती है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं उसको, ये समझा जाए। बैलेट पेपर में नाम आपका रहेगा, बैलेट पेपर में नाम वो सामा सिंह का रहेगा, बैलेट पेपर में नाम टुन्ना जी पांडे का रहेगा, या बैलेट पेपर में बंटी का नाम रहे, किसी का नाम रहे, चुनाव हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे सिवान से। अब मैंने नाम किसी का रहे बैलेट पेपर में, हमको चुनाव लड़ना है सिवान में MP का। यानी जैसे बहड़िया में ये हुआ भाई के साथ, जैसे आप समझिए, हमारी कहने का मकसद आप समझ लीजिए, अगर हिना मैडम चुनाव लड़ रही है हम उनके साथ हैं, हम सोचेंगे हमारा चुनाव है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो समाज लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, या वो स्वयं अगर कह रहा लो कि नहीं आप चुनाव लड़िए तो हम लड़ रहे हैं। अब बैलेट पेपर में जिसका नाम लिखा है, EVM मशीन पर जिसका नाम लिखा है, ये तो उनके परिवार के बगैर नहीं हो सकता है संभव, उनके परिवार के लोग जिसके सपोर्ट करेंगे वो लड़ेंगे चुनाव। एक तरफ कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, मतलब खुल हमने नहीं कहा सपोर्ट के लाइन पर, आप खत्म कर दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, जैसे EVM मशीन पर नाम किसी का रहे चुनाव हम लड़ेंगे, हम ये आपसे बार बार कह रहे हैं ना, जैसे अगर हिना मैडम ही क्या बैलेट पेपर में हिना मैडम का अगर नाम है, प्रत्याशी भले वो रहेगी, लड़ेंगे हम, अगर हिना मैडम प्रत्याशी हो तो टूना पांडे सपोर्ट करेंगे पूरा? भाई हम चुनाव लड़ेंगे, हम कह रहे हैं कि हम उनके तरफ से लड़ रहे हैं चुनाव, तो देखिए लड़ने का मतलब आप हमारी समझिए, एक सपोर्टर, एक सपोर्ट करना और एक लड़ना, हिना मैडम लड़ेगी तो समझिए कि हम स्वयं लड़ रहे हैं, हम ये मानकर चलेंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम ये आपसे कह रहे हैं बार बार। अच्छा, न्यूट्रल रहकर ही ऐसे कंपेनिंग कीजिएगा कि नहीं, न्यूट्रल हम स्वयं आगे आकर चुनाव लड़ेंगे भाई साहब, न्यूट्रल होने का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? पार्टी ज्वाइन कब कर रहे हैं? पार्टी ज्वाइन कब कर रहे हैं? देखिए पार्टी बहुत जल्दी, अब तो समय आने दीजिए ना, पार्टी तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है, कौन सा क्या करना है, समय आएगा तो आपको सब, सिवान की जनता पर भी कुछ छोड़ा जाए, सिवान की जनता का मन हम लोग टटोल रहे हैं कि सिवान की जनता क्या चाह रही है, तो उसी तरह से करेंगे हम लोग। 24 के पहले क्लियर टूना जी पांडे कर देंगे? हाँ जी, 24 में MP बनना है सिवान का अपना। अच्छा, अपना बनना है? अपना बनना है मतलब हम बने, आप बने, हिना मैडम बने, ओसामा जी बने, बंटी जी बने, कोई बने लेकिन बनेगा, अपना बनेगा, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारा अपना MP बनेगा, चाहे उसमें हम ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, MP तो बना रहे हैं आप लोग, सरकार तो चल रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 रिटर्न हो गया है, तो इसमें कहां तक सत्य है ये बात को? नहीं देखिए, अपराध है इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए होता क्या है कि लोगों को आकलन करने की एक अलग अलग नजरिया होती है। अभी आप देखिए शराबबंदी के विषय के लेकर के या अपराध के लेकर के, 2014-15 में महागठबंधन की सरकार बनी, 15 में बनी थी, बनी थी ना, तो 15 में जब बनी थी तो उस टाइम हुआ कि महागठबंधन जो बना तो अपराध बढ़ गया और शराबबंदी अच्छा निर्णय नहीं था, शराबबंदी फेल है, ये तमाम NDA के नेतालू बोल रहे थे। लेकिन फिर जब 2017 में NDA आ गई तो शराबबंदी बहुत अच्छा मुद्दा हो गया और अपराध खत्म हो गया, स्पष्ट बात है। उसके बाद फिर जब महागठबंधन की सरकार आ गई तो फिर सरकार अब NDA चाहे लोगों द्वारा कि भाई शराबबंदी फेल है और अपराध बढ़ गया है, फिर कल सरकार आ जाएगी तो फिर अपराध खत्म हो जाएगा, बोलने की क्या, ये तो हकीकत है कि अपराध पहले भी था अभी है और अपराध बढ़ा है। लेकिन जब हम आते हैं सत्ता में तो कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया, और आप सत्ता में आए तो अपराध बढ़ गया, ये
दोहरी बात जो होती है ना, ये हमको खटकती रहती है। अपराध बढ़ा है तो बढ़ा है, इसमें कौन बड़ी बात है? बात खत्म। हाँ नहीं, अपराध बढ़ी है तो बढ़ी है, इसको सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, हमें और आपको तत्पर होना चाहिए। लेकिन बढ़ी है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब तक आप स्वीकार नहीं करिएगा तो उस पर आप काम क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा। स्वीकार करे क्या फायदा होगा? जनता तो पीस रही है इस आटा चक्की में। आप जब स्वीकार करिएगा तो लेता है क्यों नहीं आवाज? देखिए देखिए, हम बता देखिए, हम लोग हमेशा रोड पर उतरते रहते हैं, बात स्पष्ट है। नेता इतना कमजोर कोई नहीं है, स्पष्ट बात। नेता कमजोर है, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। सरकार अगर एक काम कर दे, हमारे स्वभाव से अगर सिर्फ अफसरों का CR लिखने का पावर दे दे नेता को, कल अपराध बंद हो जाएगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। यहां तो जब DG मैडम आपका IG को गाली दे रही है, जब KK पाठक वैसा बड़ा अफसर अपने जूनियर अफसर को गाली दे रहा था, आम जनता को क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? नेता की क्या हैसियत है? नेता कान से मोटरसाइकिल छूट जाएगा एगो? आप ही बताइए ना, हो सकता है थाना प्रभारी लाज में छोड़ दे, लेकिन नेता का फिर भी नहीं छोड़ेगा। ये स्थिति आ गई है सरकार की। जब तक आप नेता को पावर नहीं दीजिएगा, जैसे नेता को अगर अफसर का CR लिखने का पावर दे दीजिए, BDO का, CO का, थाना प्रभारी का, वहां का विधायक अगर CR लिखना चालू कर दे, देखिए कल से अपराध बिल्कुल बंद हो जाएगी, हम गारंटी के साथ देते हैं। नेता को कोई पावड़े नहीं है, नेता का पावड़ है कौन जी? जनता चुनाव जिताती है, नेता कौन सुनता है? सो बताइए ना, सदन में आप कभी भगवान करे आप जीत कर चलिए, देखिए सदन में क्या स्थिति होती है। और जी मंत्री संतरी जितना लोग है, मुख्यमंत्री लोग कुछ पूछता है जी? अभी सुधाकर सिंह क्यों हटे मंत्रिमंडल से? सच बोलने के चलते ना, वो अपन घर बनवाने के लिए नहीं कह रहे थे? स्वामी बताइए हमको ना, सच बोलिएगा तो हटा दीजिएगा। बिल्कुल, हमारे में डिमेरिट है, हमको सच बोलना है। हम सुधाकर सिंह तो हमारे कोई रिश्तेदार है नहीं, हम उनका पढ़ाई कर रहे हैं ना। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाए, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप 2-9। विजिट टुडे लवा नियर करबल्ला बाजार, बरेड़िया, सिवान।